बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हो गया, टाइम हो गया आपका, जाने का समय हो गया, 3:21 हो चुका है, तो उठ गया, अभी पैकिंग चल रहा है। अंकल जी अभी पैकिंग कर रहा है, स्लीपिंग बैग घुसा रहा है, मैं भी अपना स्लीपिंग बैग ठीक कर रहा हूँ। अभी गर्म पानी खाना है, हल्का होना है, अभी तुरंत निकलना है, क्योंकि आज पूरा खरा वाला चढ़ाई है, यहाँ से पूरा 40 किलोमीटर पूरा चढ़ाई है, वो भी खरा वाला वाला है, तो इसलिए जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि लगभग 12 बजे तक पहुंचना है हम लोग का सिला टॉप। तो रेडी करके फिर से मिलते हैं, पैकिंग हो रहा है हम लोग का। यरा युवराज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रो। ये कहाँ गया अमृत, कहाँ गया? गुड मॉर्निंग अमृत, साइकिल रेडी कर रहा है, 3:30 हो गया। आप लोग अभी देख सकते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर 1°C, वाओ, मान गया आपको अंकल जी, हैट्स ऑफ। हम लोग तो जवान है, कोई दिक्कत नहीं लेंगे, अंकल तो पिता का उम्र है हम लोगों का, जो भी हो अभी निकलना है। तो यहाँ फ्रेश हो लिया, अभी ये बाथरूम था यहाँ साइड में, तो अभी निकलते हैं हम लोग। अमृत भाई रेडी, मस्त है, मैं भी रेडी पूरा, अभी निकलते हैं, साइकिल भी रेडी, वो दोनों गया बंदा। तुम्हारा लाइट है ना? का टाइम हो चुका है 4:55, अभी हम लोग 3-4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, जहाँ रुके थे। मेरा अभी इतना ही गर्म उठ गया, कपड़ा खोल लिया हम लोग, अभी देख सकते हो कितना डिग्री, 1 डिग्री, अभी 1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यार में। ओ भाई मज़ा आ गया, बिस्कुट खा के चलाने के लिए मज़ा आ रहा है, और वो भी हाइट पे। ये रहा युवराज भाई, सही है, हाउस द जोस, हाय यो मैन, गजब का राइड है, तवांग राइड इज नॉट सो इजी मैन, टफ। एंड मेरा अंकल जी पूरा पूरा फायर फायर होके, पर ये जंगली याकी होगा सर, रास्ते में जंगली है, किसी के घर का नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा साइज का है, घर का होगा तो उसमें घंटी लगा। बच्चू बिस्कुट खाएगा, बिस्कुट खाएगा, बच्चू 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 बच्चू, आजा चलो ये बिस्कुट खाएगा, बिस्कुट खाएगा, ले खा ले खा ले, बस चल रहा है, मस्त चल रहा है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत ना ही है, और हौसला बुलंद। अभी पूरा सवेरा हो चुका है, और नीचे का नज़ारा देख सकते हैं हम लोग, काफ़ी ऊपर है, और यहाँ से 31 किलोमीटर है, अभी खराब चढ़ाई है, मतलब पूरा ही चढ़ाई है सारा पास तक, ऊपर तो ऑक्सीजन लेवल कम होने वाला है, जो भी हो हौसला बुलंद। Oh! Awesome! Yo man, चेन्नई पहुंच गया, तो अभी चाय पानी ऊपर
खाएंगे पियेंगे और वहाँ से रवाना हो जाएंगे। बहुत ही ऊपर आ चुके हैं। ओहो सिलाटो 30 बढ़िया। यार हम लोग यहीं आर्मी कैंप भी है, बेस कैंप है, तो अभी यहाँ चाय पी लेते हैं, कुछ तो खाना पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ओनली चाय, ब्रेकफास्ट कुछ होगा क्या? ये रहा ब्रेड, पीनट बटर और ये भुजिया बिकाजी कॉम्बो करके अभी चाय के साथ खा रहा है। चाय पी के हो गया, अभी निकलते इसी होटल में। ठीक है देन, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत ही ऊपर पहुंच गए हम लोग, एकदम देख सकते हो यार पहाड़ी पहाड़। वाह क्या नजारा है बे, सही में। वो ऊपर थोड़ा सा बर्फ का ग्लेशियर है इधर में। ऑन दी वे टू सेलापास, गर्म उठ गया है इसलिए ये जंपर खोल दिया है। हाँ लेकिन नीचे आर्मी वाला मिला था, आप लोग टोपी मत उतारो ऐसे बोला था, इसलिए पतला वाला टोपी लगा ली सैंटा क्लॉस का। फिलहाल हम लोग रुक रहे अभी, मतलब हम लोग लेट ही हो रहे, अंकल पीछे मतलब आ रहे, अंकल का थोड़ा एनर्जी लो हो गया है इसलिए हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है राइड पे, इसलिए थोड़ा रुक रहा है अभी। एक बंदा तो ऊपर चला गया छोड़ के, लेकिन जो भी हो साथ में आए, साथ में जाएंगे। ए रहा अंकल जी को थोड़ा चक्कर आ रहा है इसलिए थोड़ा फ्लैट होके सो के थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि अभी धूप भी ज़्यादा दे रहा है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होते होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा अंकल जी को अंकल जी के साथ थोड़ा रोक देते हैं। तो फाइनली यहाँ से टवांग 95, जंग 57 और सेलाटॉप और 18 किलोमीटर। ओ सही है, निकलते हैं अभी। तो दिस इज बैसाखी, बैसाखी पहुँच गए हम लोग। फाइनली हम लोग बैसाखी पहुँच गए, बढ़िया एकदम टॉप ऑफ द हिल, और भी बाकी है। अंकल कैसे? बढ़िया बढ़िया। 7 किलोमीटर है सेलाटॉप। अरे बात युवराज घुसी गोल हो बोला, इसलिए कल ढाल लगे ढाल लगे। जो भी हो हौसला बुला नहीं, एकदम फुल जोश। यो किस पाले बढ़िया है बाप, सेला वॉरियर्स मस्त। तो हम लोग काफ़ी ऊपर है अभी, लेकिन पहचान नहीं पा रहे अंकल को, अंकल जी को थोड़ा मतलब वो हो रहा है चक्कर जैसा आ रहा है इसलिए थोड़ा रेस्ट ले रहा है अंकल जी, तो इसलिए रुका है। आप लोग को दिखाते हैं, हम लोग तो चले जाएंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी हो हेड शॉप अंकल के लिए। अंकल जी रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स।15 से ज्यादा होगा लगभग, इसलिए अभी ये चढ़ाई तो पैदल और चल थोड़ा पैदल मारना पड़ेगा और फिर चलना पड़ेगा, बस वही निकलते है ना। ठीक है ठीक है, तो गर्म पानी ले लेते हैं। आसाम अच्छा, आसाम कौन सा? जोरहाट जोरहाट
तो यहाँ थोड़ा पानी ले लेते, गर्म पानी। बहुत बहुत शुक्रिया पानी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट। तो अभी निकलना है हम लोगों यहाँ से, थोड़ा रेस भी हो गया, मंडी में ड्रेसिंग का भी हो गया। तवांग 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 तवांग, सिलेबस सिलेबस, कौन जाने वाला है? तवांग 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 तवांग, कम ऑन बॉय। तो भाई स्ट्रिंग खुल गया, स्ट्रिंग खुल गया, क्या करेगा अभी? बिस्किट खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा खाएगा खाएगा। असम से आया हूँ, असम से आया हूँ, टाउन जाना है अभी। टाउन जी का? हाँ, मैं तो बुढ़ा आदमी है, 63 एज। बुढ़ा हो गया? 63 अभी एक जगह पहुंचा है इधर, यहाँ से लगभग सेला पास टॉप जो है वो 12 किलोमीटर है। तो ये हम लोग खाना खा लेते हैं, आपको दिखाते हैं। पार्किंग हो गया तो बहुत ही भूख रहा है, राइस राइस ऑर्डर दिया इधर में, आज का दिन के लिए पहला टाइम राइस है, है ना? ये दुकान रेडी हो गया, हम लोग अभी खाते हैं, देख सकते हो अभी खा ले रहे हैं। कल रात को ही खाना खाया था, उसके टाइम दोपहर दोपहर को मैगी खाया था। वाह वाह वाह, एनर्जी। नीचे देख सकते हो आप लोग कैसा है वे, मजा। तो देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ऑन दी वे टू सिला टॉप है, सिला पास का टॉप है। हम लोग रास्ते पे ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर है। तो आप लोग देख सकते हैं व्यू इधर का, ओह अल्टीमेट। ओह भाई साहब, ज़्यादा दूर अभी है नहीं, लेकिन बर्फ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, जाते हैं कि नहीं? नीचे से आते थोड़ा एडवांस। चलो भाई साहब आ जाओ, we are ready to go now. Must kacha kacha la dupa to mil gaya finally, dice is here man. mil gaya bhai sahab, mil gaya barf, must bhai ice mil raha hai। नाइस बे, हम लोगों को लेकिन ठंडा कुछ भी नहीं लग रहा है, बर्फ फट रहा है, बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है हो रहा है, अभी से बर्फ मतलब ज़्यादा होने वाले जा रहा है। तो अंकल को थोड़ा चक्कर आ रहा है, पर रुकने के लिए बोल रहा है अंकल जी के साथ हम लोग पैदल ही आ रहा है, मतलब तब से भिंडिया खाले गरम उठी बाको ঠান্ডা লাগে সে যদি পিন্ধিব পাৰা আৰু গৰম লাগিব, খালি বহুত গৰম লাগিব। আমি আমি দিয়া নাই কাৰণে, যোৱা নাই কাৰণে। তো অংকলজি কৈছে চক্কৰ জেচা আয়ে তপছে ওই অক্সিজেন লেভেল কম হে না ইছলিয়ে তো পুছতে অংকলজি কা হাল কেছা এবি সামনে যাকে এক সাথে থাকি থাকি গলো কালি পৰা সাম গোপালা টিপা উঠিয়ে মাথা ঘূৰা নাই না খালি এইটো কোনটো ভৰি বিষ আছে বেছিকৈ? গম পাইছে, এই এনেকুৱা হৈ যায় যে খুব ধৰে, এই ৰখত ধৰে এই বছৰ হয়নে? আজি চেলাতে থাকি দিলোঁ, কালি ৰাতিপুৱা চালোঁ, হা চাই পেলাই কালি
तो यहाँ में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ में मना भी है। तो नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल होता तो हम लोग को रहने के लिए दे देता, लेकिन अभी जाना ही पड़ेगा। क्या व्यू है बे? Awesome! Awesome! Awesome!